अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 17 देखेंगे। इस लेक्चर में हम दो चीज़ें कवर करेंगे, फाइव बेसिस ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजबरा और ज्वाइन ऑपरेशन। इसमें देखेंगे रिलेशनल अलजबरा की थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रिलेशनल अलजबरा इज द प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इसमें सेट ऑफ ऑपरेशन होते हैं दैट टेक वन आर टू रिलेशन, जो कि वन या फिर दो रिलेशन को ले रहे होते हैं, एंड आउटपुट आर न्यू रिलेशन, और उनके आउटपुट में एक न्यू रिलेशन जो है वो हमें मिल रहा होता है। देर आर फाइव बेसिस ऑफ अलजेब्रा ऑपरेशन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें के बेसिस अलजेब्रा के कितने बेसिस ऑपरेशन हैं, तो पाँच हैं। देर आर ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, यानी कि हमारे जो रिलेशन अलजेब्रा के पांच ऑपरेशन हैं उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दो कैटेगरीज में। वो कौन कौन सी हैं, यूनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए यूनरी ऑपरेशन में कौन से आते हैं, देर आर दोज ऑपरेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन रिलेशन आर वन टेबल। यूनरी ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन जिनमें एक जो है आपका रिलेशन या फिर टेबल लिया जाता है, जैसा कि डेफिनेशन में बताया था ना, वन आर टू रिलेशन, वन रिलेशन लेते हैं या टू लेते हैं, ये यूनरी ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि ओनली एक ऑपरेशन, एक रिलेशन या फिर टेबल लेते हैं। देर आर सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट, ये कौन से हैं, सिलेक्ट ऑपरेशन है और प्रोजेक्ट ऑपरेशन है। अब याद रखना है कि यूनरी ऑपरेशन में ओनली वन रिलेशन या वन टेबल लिया जाता है, और उसके आगे कितने हिस्से हैं, दो हैं, सिलेक्ट ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन। जबकि बाइनरी में देखें, देर आर दोज ऑपरेशन विच इन्वॉल्व पेयर ऑफ रिलेशन, इसमें रिलेशंस के जोड़े लिए जाते हैं, एंड आर देयरफॉर कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन, और इसको बाइनरी ऑपरेशन किया कहा जाता है। ऐसा ऑपरेशन जिनमें जो है पेयर्स ऑफ रिलेशन यानी रिलेशंस के जोड़े जोड़े लिए जाते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन है। द इनपुट फॉर दिस ऑपरेशन इज टू रिलेशन, टू रिलेशन होंगे तभी जोड़ा बनेगा ना। देयरफॉर इज अ न्यू रिलेशन, और उनके आउटपुट में क्या हमें मिलता है, न्यू रिलेशन मिलता है। और इसमें एक और चीज है, विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल रिलेशन, दोनों में जो है यूनरी और बाइनरी रिलेशन में क्या होता है, जो हम इनपुट के तौर पर देते हैं ना रिलेशन, वो चेंज नहीं होते, हमें जस्ट आउटपुट मिल जाता है, बल्कि पुराने रिलेशन जो है वो ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। ये तीन है, दीज आर ऑपरेशन, इसमें है यूनरी, सेट डिफरेंस, कार्टिजियन प्रोडक्ट, ये बाइनरी है, और हमारा जो यूनरी है वो सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट है। अब देखें सिलेक्ट ऑपरेशन को देख लें, जो कि यूनरी ऑपरेशन का हिस्सा था। द सिलेक्ट ऑपरेशन इज परफॉर्म टू सिलेक्ट सर्टेन रो आर टपल ऑफ टेबल। ठीक है, ये सर्टेन रो को या फिर टपल ऑफ टेबल को जो है वो सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो इट परफॉर्म इट एक्शन ऑन द टेबल हॉरिजॉन्टली, और ये क्या करता है कि अपना एक्शन जो है वो टेबल पर हॉरिजॉन्टली परफॉर्म कर देता है। द टपल्स आर सिलेक्टेड थ्रू दिस ऑपरेशन यूजिंग अ प्रेडिकेट आर कंडीशन। वो कह रहे हैं कि इसमें जो टपल ऑफ रोज या फिर कॉलम्स होते हैं वो कंडीशन के मुताबिक सिलेक्ट किए जाते हैं। दिस कमांड वर्क ऑन अ सिंगल टेबल, ये कमांड जो है जस्ट ऑन अ सिंगल टेबल पे काम करती है, एंड टेक रोज दैट मीट स्पेसिफाइड कंडीशन, और उन रोज को सिलेक्ट कर लेती है जो कि कंडीशन से मैच कर रही हो, कॉपिंग देम टू इन न्यू टेबल, और इनको न्यू टेबल में जो है वो कॉपी कर देती हैं। आगे है लोअर ग्रेड लेटर सिग्मा इज यूज टू डिनोट सिलेक्शन ऑपरेटर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ रहा था हमारे, के लोअर ग्रेड लेटर सिग्मा, सिग्मा को उन्होंने स्किप किया होता, लिखा हुआ था डैश इज यूज टू डिनोट सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए दोस्तों सिग्मा का इस तरह का साइन यूज होता है, ये आपका एमसीक्यूज है, इसको माइंड में रखिएगा। तो ये इस तरह से इसके आगे एग्जाम्पल दी गई है कि द सिलेक्ट ऑपरेशन इज कम्यू ये विच इज अंडर। ठीक है, इस तरह से इसको यूज किया जाता है सिग्मा सी वन, और इसमें बताया गया कि सिग्मा सी वन, फिर ब्रेसिस लगा दिए हैं, सिग्मा सी टू आर इक्वल टू किसके होता है, सिग्मा सी टू और सिग्मा सी वन और आर के। ठीक है, ये इक्वल टू होता है इसी के। आगे है इफ आ कंडीशन, आगे हमारा है स्टूडेंट वन की, ये एग्जाम्पल दी हुई है इसी की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज टेबल स्टूडेंट विद फाइव एट्रीब्यूट, यहाँ पर स्टूडेंट की पांच एट्रीब्यूट हैं और टेबल है। ठीक है, पांच एट्रीब्यूट लिखी हुई हैं और फाइव रोज हैं, तो इन पे जो है वो उन्होंने परफॉर्म किया है हमारा सिलेक्ट ऑपरेशन। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्ट ऑपरेशन ऑन द टेबल स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट के टेबल पे उन्होंने सिलेक्ट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर दिया, सिग्मा का साइन लगाया, फिर करंट सेमेस्टर के स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिए और फिर इनको शो करवा दिया इस तरह से।
यानी कि 3 से कम जो है स्टूडेंट हैं वो उन्होंने शो करवा दिए, 3 से कम 1, 2, 3 जो भी थे ठीक है वो उन्होंने यहाँ पे डिफाइन करवा दिए। अगला हमारा देखें तो है प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन बेसिकली क्या वर्क करता है इसको देख लेते हैं। द सेलेक्ट ऑपरेशन वर्क हॉरिजेंटली ऑन द टेबल। हमारा जो सेलेक्ट ऑपरेशन था वो हॉरिजेंटली वर्क करता था टेबल पे। ऑन द अदर हैंड द प्रोजेक्ट ऑपरेशन प्रोजेक्ट ऑपरेशन ऑपरेट ऑन सिंगल टेबल वर्टिकली। वो हॉरिजॉन्टली था अब वर्टिकली है इसमें ठीक है, ये डिफरेंस है। जो हमारा सेलेक्ट ऑपरेशन था वो हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा था और ये जो है वो वर्टिकली काम कर रहा है। दिस इज द वर्टिकल सबसेट ऑफ टेबल ठीक है। ये क्या करता है दैट इज इट्स प्रोड्यूस अ वर्टिकल सबसेट ऑफ टेबल। ये क्या प्रोड्यूस करता है वर्टिकल सबसेट ऑफ टेबल ठीक है। एग्जैक्टिंग द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड कॉलम, एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट्स एंड प्लेसिंग द वैल्यूज इन द न्यू टेबल। और उन वैल्यूज को न्यू टेबल में जो है वो रख देता है। अब इसको किससे जो है वो डोनेट किया जाता है, एमसीक्यूज यहाँ पे भी बन रहा है। ये एमसीक्यूज है प्रोजेक्शन इज डोनेटेड बाय ग्रेक लेटर ठीक है। ये पाई का साइन होता है, इस तरह से इसको किससे डोनेट किया जाता है हमारे प्रोजेक्ट ऑपरेशन को। आगे इसकी कुछ एग्जाम्पल दी हुई है तो इसमें देखिए फैकल्टी है तो इसमें एन एग्जाम्पल फैकल्टी टेबल ठीक है। इसमें से उन्होंने क्या है जस्ट जो है वो रोज कॉलम सेलेक्ट की है ठीक है। रोज को नहीं उन्होंने सेलेक्ट करना होता, जस्ट कॉलम सेलेक्ट करने होते हैं। जैसा कि देखें ये साइन लगाया हुआ वो भी प्रोजेक्ट ऑपरेशन का। और उन्होंने बता दिया फैकल्टी आईडी और सैलरी वाले दो जो हैं वो कॉलम शो करवा दें। तो ये देखें उन्होंने फैकल्टी आईडी के कॉलम को और सैलरी के कॉलम को शो करवा दिया। यही काम था हमारे ऑपरेशन का। आउटपुट रिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑपरेशन, ये हमारे प्रोजेक्ट ऑपरेशन का जो है वो आउटपुट है। तो बेसिकली देखें तो ऊपर वाला तो चेंज नहीं हुआ, वो ही रहा जो था ठीक है। उसका आउटपुट चेंज हो गया। हमारे जो दो थे ना सिंगल था, यानी कि टेबल सिंगल था, ये वो ही रहा, लेकिन हमारा जो है आउटपुट चेंज होके आ गया है। अगला हमारा टॉपिक देखें तो इसमें है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन ऑपरेटर्स ठीक है। इसमें कंपोजिशन आ जाती है, द रिलेशन ऑपरेटर लाइक सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट कैन ऑल्सो बी यूज इन नेस्टेड फॉर्म इंटरवली। यानी इस ये वो पॉइंट है यहाँ पर जो है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से काम होता है ठीक है। इसलिए इसको कह दिया है कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, यहाँ पर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ग्रेक का साइन यानी सिग्मा का साइन भी और पाई का साइन भी। सही बोले तो प्रोजेक्ट और सेलेक्ट ऑपरेशन दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ये देखें सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेटर, इसमें एग्जाम्पल दे दी गई है कि ये देखें उन्होंने साइन लगाया पाई का, फैकल्टी नेम और ये डिपार्टमेंट लिख दिया। फिर आगे उन्होंने जो है इस तरह से दूसरा सिग्मा का साइन लगा दिया ठीक है। इसमें द आउटपुट ऑफ दिस कमांड विल बी, इस तरह से इस कमांड का हमारे पास आउटपुट आ जाएगा ठीक है। नेम्स आ गया, डिपार्टमेंट आ गया ठीक है। ये ऊपर वाले टेबल में से ही उन्होंने निकाला है ठीक है। ये वाला जो टेबल था ना हमारे पास, ये वाला कहाँ पे गया, हाँ इसी में से उन्होंने जो है हमें आउटपुट निकाल के दे दिया ठीक है। इससे अगला देखें था यूनियन ऑपरेशन है। यूनियन ऑपरेशन में क्या होता है, हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिया ना, सॉरी यूनियन ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन में दो थे सिलेक्ट एंड प्रोजेक्शन ठीक है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर और सिलेक्शन ऑपरेटर जो है हमने दोनों पढ़ लिए हैं, प्रोजेक्ट ऑपरेटर और सिलेक्ट ऑपरेटर। अब बारी है यूनरी ऑपरेटर्स की, बाइनरी ऑपरेटर्स की। उसमें सबसे पहला हमारे पास था यूनियन ऑपरेशन। इसमें क्या है, वी विल नाउ स्टडी द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हमने पढ़ने स्टार्ट करने हैं अब, विच आर ऑल्सो कॉल्ड अ सेट ऑपरेशन, जिनको हम सेट ऑपरेशन भी कहते हैं। द फर्स्ट ये एमसीक्यूज आ सकता है ठीक है कि कौन से ऑपरेशन सेट ऑपरेशन होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑपरेशन होते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ यूनरी यूनियन ऑपरेटर इज दैट बोथ द रिलेशन शुड बी यूनियन कंप्यूटेबल ठीक है। यूनियन ऑपरेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों जो है आपके रिलेशन कंप्यूटेबल होनी चाहिए। इट मीन दैट रिलेशन मस्ट मीट टू फॉलोइंग टू कंडीशन, दो कंडीशन दी गई हैं जिनसे आपके रिलेशन मैच करने चाहिए। पहला क्या, बोथ द रिलेशन शुड बी सेम डिग्री, दोनों रिलेशन की आपकी डिग्री सेम होनी चाहिए। विच मीन दैट द नंबर ऑफ द एट्रीब्यूट इन बोथ रिलेशन शुड बी एग्जैक्टली सेम, यानी कि आपके पास दो रिलेशन है तो उनमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए। उतनी एट्रीब्यूट रिलेशन ए में होनी चाहिए, उतनी ही रिलेशन बी में होनी चाहिए। आगे देखें द डोमेन ऑफ द क्रॉसबॉन्डिंग एट्रीब्यूट इज बोथ रिलेशन शुड बी सेम
सेम क्रॉस रनिंग एट्रीब्यूट मीन दैट फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ द बोस लेशन द सेकंड एंड ऑन, ठीक है, दोनों मैच होनी चाहिए। आगे है इट इज डोनेटेड बाय यू, हमारा जो यूनरी प्रेशन है इसको यू से डोनेट किया जाता है। जैसा कि मैंने सिलेक्ट का आपको बताया था वो सिग्मा साइन था, जब प्रोजेक्ट की बारी आई तो तब क्या था पाई का साइन था, अब जो है हमारा यूनियन ऑपरेशन है तो इसमें यू का साइन है, ठीक है, यू से इसको डोनेट किया जाता है, ये एमसीक्यू है आपका। इसके एग्जांपल देखें तो देखें आर यूनियन एस, एस यूनियन आर, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आर यूनियन एस इक्वल टू एस यूनियन आर होगा, ठीक है, अगर हम आर यूनियन एस लें तो वो इक्वल टू एस यूनियन आर आएगा। आगे इसकी कुछ एग्जांपल हैं, देख लेते हैं उन्होंने क्या किया है यहाँ पे। यहाँ पर जो चीजें थी ना इनमें उन्होंने सारी लिख दी, यानी कि इसमें जो थे डबल डबल खत्म कर दिए, सिंगल सिंगल करके लिख दिया, जैसा कि ऊपर वाले में ऑपरेटिंग सिस्टम था ले लिया, डेटाबेस था ले लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट था ले लिया, और इलेक्ट्रॉनिक्स था नीचे वाले का वो ले लिया, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि ए में जो चीजें हैं वो यहाँ पे उन्होंने लिख देनी है, ठीक है, इस तरह से एक तरतीब से उन्होंने लिख दिया इसको, ठीक है, एस यूनियन आर कर दिया इक्वल टू आर यूनियन एस बन गया, ठीक है। ये आपका था टू टेबल आउटपुट ऑफ यूनियन ऑपरेशन दो टेबल, ठीक है, ये आउटपुट था हमारा यूनियन ऑपरेशन का, सही है। उससे अगला देखें, इसमें है द इंसर्टन ऑपरेशन, इंसर्टन ऑपरेशन में हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, द इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन ऑपरेशन आल्सो हैज अ रिक्वायरमेंट दैट बोथ ऑफ द रिलेशन शुड बी यूनियन कंपीटेबल। अब यहाँ पर भी वही रिक्वायरमेंट हो रही है, क्योंकि ये बाउंड्री ऑपरेशन का हिस्सा है इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट एक ही है कि आपके जो है ना दूसरे दो रिलेशन है वो आपस में कंपीटेबल होने चाहिए, विच मीन दे आर द सेम डिग्री एंड सेम डोमेन। वहां पे भी हमने यही पढ़ा था कि डिग्री सेम हो और डोमेन सेम हो, इट इज रिप्रेजेंट बाय इंटरसेक्शन साइन, ये इंटरसेक्शन साइन होता है, ठीक है, इसको याद रखें कि जो यूनियन है उसको यू वाले साइन से डोनेट किया गया, अब इंटरसेक्शन वाले को बाय इंटरसेक्शन साइन से डोनेट किया जाएगा, ये इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है। इफ आर एंड एस आर टू रिलेशन वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू रिलेशन देन द रिजल्ट रिलेशन विल बी सेट ऑफ टपल, ठीक है। अब ये देखिए एस इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन एस होगा तो वो इक्वल टू किसके होगा, एस इंटरसेक्शन आर के। यहाँ पर भी वही टेबल हम जरा कॉपी करके रख लेते हैं क्योंकि आउटपुट न्यू होंगी लेकिन टेबल बार बार यही यूज होंगे तो फिर हमें परेशानी होगी, ऊपर बार बार आना पड़ेगा। तो ये दो टेबल हैं और इसको आउटपुट हमने वहाँ पे पेस्ट कर लेनी है, ताकि ये देखें ये हमारे टेबल हैं। अब हमारा जो आउटपुट है नीचे वो किसका है, इंटरसेक्शन ऑपरेटर में आउटपुट दिया गया है, इसको ज़रा कॉपी करेंगे और वहाँ पे साथ में लगा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि क्या किया गया है इंटरसेक्शन में। वैसे तो मैथ्स अगर किसी की अच्छी हो तो उसको देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्या किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखें इंटरसेक्शन में जो दोनों में मौजूद था उसको यहाँ पे लिख दिया गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मौजूद था कोर्स वन में, कोर्स टू में फाइनेंशियल मैनेजमेंट मौजूद था उसको यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। यानी जो आप इंटरसेक्शन में ये होता है जो आपके कोर्स वन में भी मौजूद हो कोर्स टू में भी मौजूद हो उसको आपके इंटरसेक्शन में लिख दिया जाता है, ये इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है, इसको जरा देख लें, ये इंटरसेक्शन हो रही है और ये कोर्स वन और कोर्स टू में जो हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो सेम था उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। उम्मीद है आप लोगों को आउटपुट की समझ आ गई होगी। अगले टॉपिक पे चलते हैं, तो सेट डिफरेंस का टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। अब सेट डिफरेंस के टॉपिक को देखें तो इसमें क्या हो रहा है, सॉरी जरा मैं इसको हाईलाइट कर लूँ, हाँ जी ये है सेट डिफरेंस, ठीक है, हाईलाइटर तो सिलेक्ट नहीं हुआ, अब सिलेक्ट हुआ है। इसमें देखें इफ आर एंड एस आर टू रिलेशन विच आर यूनियन कंपेटेबल देन डिफरेंस ऑफ दोज टू रिलेशन विल बी सेट ऑफ टपल्स, ठीक है। अगर हमारे पास आर और एस दो रिलेशन हैं उनमें जो डिफरेंस पाया जाएगा वो क्या होगा, हमारा सेट ऑफ डिफरेंस होगा, और इसको किससे डोनेट किया जाएगा, माइनस के साइन से। ये चीजें आपने लाजमी याद रखनी है, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि एमसीक्यूज आ जाता है इन सब में से एक। अब देखें सेट डिफरेंस को माइनस से डोनेट किया गया, जबकि ऊपर हमारा इंटरसेक्शन था तो उसको इंटरसेक्शन साइन से डोनेट किया गया, उससे ऊपर हमारा यूनियन था उसको यू से, और उससे ऊपर हमारा था
प्रोजेक्शन उसको पाई से, और जो हमारा उससे ऊपर था उसको सिग्मा से, यानी स्लैब ऑपरेशन को। अब यहाँ पे याद रखना है इट इज डोनेटेड बाय माइनस, इसको माइनस के साइन से डोनेट किया जाता है सेट डिफरेंस को। अब इसका भी हम जरा देख लेते हैं, यहाँ से इसका आउटपुट कॉपी करेंगे और वहां पे रख लेंगे हमारे जो इनपुट है उनके साथ, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि क्या डिफरेंस है हमारे इनपुट और आउटपुट में। ये हमारे इनपुट होते हैं कॉस वन और कॉस टू, जो कि सेम ही रहने होते हैं। यहाँ पे हम अपना जो आउटपुट वो कर लेते हैं, ये हमारा आउटपुट निकला है सेट डिफरेंस का आउटपुट। इसमें सेट डिफरेंस का साइन कहाँ पे मौजूद है कैसे पता चलेगा, ये माइनस का साइन आपको बताएगा कि ये सेट डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखें कॉस वन और कॉस टू के दरमियान माइनस का साइन आपको ये बता रहा है कि ये सेट डिफरेंस का रिजल्ट है, सही है। इसमें जो डिफरेंट होगा ना कोस एक वन का जो कोस टू में नहीं होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और कोस वन का जो कोस टू में होगा वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। जैसा कि कोस वन का ऑपरेटिंग सिस्टम नीचे नहीं है वो लिख दिया, कोस वन का डेटाबेस सिस्टम नीचे नहीं है वो लिख दिया, कोस ऑपरेशन का जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम नीचे था वो नहीं लिखा, कोस वन का जो है वो मनी एंड कैपिटल मार्केट नीचे नहीं है वो लिख दिया, ठीक है। इसमें जो सेट ए होता है ना उसके जो तमाम जो हमारे होते हैं ना इंस्टेंस यानी के हिस्से, अगर वो सेट बी में मौजूद ना हो तो वो लिख दिए जाते हैं, अगर मौजूद हो तो वो नहीं लिखे जाते। इसको आप इसके लिए ये भी कह सकते हैं कि जो मैच कर रहे हो उनको काट दिया जाता है, जैसा कि मैं काट रहा हूँ, ये देखिए ये मैच कर रहा है मैंने इसको काट दिया, ये मैच कर रहा था इसको काट दिया। अब बाकी जो बचे वो लिख दूंगे, लेकिन लिखेंगे सेट ए वाले क्यों, क्योंकि देखें ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो है ना, ये तो मैच नहीं कर रहा था, लेकिन ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कोर्स टू का हिस्सा है, हम कोर्स वन के लिहाज से इसकी क्या कर रहे हैं सेट डिफरेंस निकाल रहे हैं। इसमें ए को देखा जाता है, ए ए माइनस बी हो रहा है ना, तो फिर ए वाले जो है वो निकाले जाएंगे, ठीक है। बी वाले को नहीं आपने देखना, इसको ए के हिसाब से किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट नीड नॉट टू बी यूनियन कंपेटेबल। अब यहाँ पे आके फर्क आया कि यहाँ पे यूनियन कंपेटेबल की जरूरत नहीं होती कार्टेशियन प्रोडक्ट में। पहले हमने दो पढ़े उनमें यूनियन कंपेटेबल की जरूरत थी, यहाँ पे जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर आपसे एमसीक्यूज आता है द कार्टेशियन प्रोडक्ट नीड डैश टू बी यूनियन कंपेटेबल, तो नॉट आएगा, यस नहीं आएगा, यहाँ पे नॉट आएगा, नॉट टू बी कंपिटेबल। ये एक वाहद है जिसमें जो है यूनियन कंपिटेबल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इट मीन दैट कैन बी डिफरेंट डिग्री, ठीक है, इसमें जो डोमेन और डिग्री दोनों डिफरेंस हो सकते हैं। और इसको डोनेट किससे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन के साइन से डोनेट किया जाता है। यहाँ पे अगर कहीं लिखा हुआ तो मैं आप लोगों को शो करवा दूंगा कि इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन से डोनेट किया जाता है। ये देखिए इसमें दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और यहाँ पे भी बता दिया गया इट इज डोनेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन साइन। इसको आप स्टेरिक से भी कर सकते हैं, ये देखिए स्टेरिक यूज हुआ है। तो इस तरह से आप जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट को करवा सकते हैं। इसका रिजल्ट देख लेते हैं, ये आपका रिजल्ट है, इसमें ये कोर्स और स्टूडेंट है, कोर्स है, दो चीजें आपको बता दी गई हैं, यानी कोर्स मल्टीप्लाई स्टूडेंट होगा, यानी कोर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन फिर स्टूडेंट आ जाएंगे। और इसमें देखें कि इस इन सारों को जो है पहले क्या है एक एक से इससे कर दिया जाएगा, ठीक है, फिर क्या है फिर सभी को लिया जाएगा और दूसरे कोर्स S103 फरा हसैन से कर दिया जाएगा। इस तरह से जो है ये आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी पहले सारे कोर्स सिलेक्ट होंगे और स्टूडेंट एक सिलेक्ट हो जाएगा, फिर सारे कोर्स सिलेक्ट होंगे और फिर क्या है स्टूडेंट नंबर टू सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। ये आपका था कार्टेशियन प्रोडक्ट का तरीका कार, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे है ज्वाइन ऑपरेशन, इसको हम पढ़ेंगे। तो ज्वाइन ऑपरेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होने जा रहा है, तो उसको वहां पर ही डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।